आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, ये हम लोग गैशियस स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईटीजेई एडवांस पर क्लासेस कर रहे हैं। पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट टू है। टोटल तीन पार्ट्स में हमने इसको बनाया है, तो चलिए हम लोग पार्ट टू की एनालिसिस करते हैं कुछ बेहतरीन आईटीजेई एडवांस के प्रॉब्लम्स। देखिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। देखिए, इस सवाल में आपको बोला गया है कि आपके पास एक खाली बर्तन है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन के माध्यम से 1 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। इसमें आपने 0.1 मोल हीलियम गैस डाली है और 1 मोल एक अननोन कंपाउंड डाल दी है, ठीक है, जिसका भाप, जिस कंपाउंड को रखा और उसकी भाप बनी यानी वेपर प्रेशर बना, और वह कितना प्रेशर लगा रहा है, उसकी भाप 0.68 एटीएम, ठीक है, और सारी कहानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। अब आपको सारी गैसेस को आइडियल मानना है और बताना है वो जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है उसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो गैस है वो टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा उस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में, ठीक है। तो पहले तो इवैक्यूएटेड था, गैसेस डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वो पूछा है। अब देखिए, सवाल की पूरी हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, ये आपके पास पिस्टन सिलेंडर सिस्टम था जो पहले इवैक्यूएटेड था, आपने इसमें दो गैसेस बच्चों डाली, आपने इसमें क्या क्या डाला, आपने इसमें हीलियम गैस डाली और इसमें एक अननोन कंपाउंड, ये देखिए, आपने रख दिया 1 मोल। अब क्या होता है, जैसे कि कैम्फर होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो आप लोग जलाते हैं, कैम्फर होता है, उसको कहीं रखते हैं तो उसकी भाप बनती है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है इसी प्रकार से अपनी भाप बनाता है, तो इसकी भाप जो बनती है तो गैस क्रिएट करती है और उस गैस का प्रेशर यहां पर देख के रखा है, वेपर प्रेशर 0.68 एटीएम। अब आप बात समझें, जब पिस्टन सिलेंडर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर इंटरनल होगा, और इंटरनल प्रेशर कौन कौन लगा रहा होगा, हीलियम और जो उस कंपाउंड की भाप बनी है वो दोनों मिलकर लगा रहा होगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो गैस, वही प्रेशर गैस का होगा और गैस में दो लोग प्रेशर लगा रहे होंगे, हीलियम और उस कंपाउंड के वेपर। अब बच्चों, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर सवाल ने दिया है 1 दिया है, और ये जो वेपर है इसका वेपर प्रेशर सवाल ने 0.68 दिया, तो यहां से बच्चों हीलियम का प्रेशर आपको पता लग गया 0.32। अब बच्चों, हीलियम का आपको प्रेशर पता लग गया, आप हीलियम पर लगा दीजिए PV = nRT। तो हमने क्या किया, हीलियम पर अपना सिस्टम किसको चुन लीजिए, हीलियम, उस पर लगा दीजिए PV = nRT और वॉल्यूम हो गया nRT/P। सवाल ने मोल 1 दिया है, R की वैल्यू 0.0821, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और अभी अभी आपने प्रेशर निकाला 0.32, तो ये वॉल्यूम आ गया। ये वॉल्यूम तो हालांकि हीलियम का आया है, लेकिन आप तो जानते हैं सभी गैसेस के लिए सेम वॉल्यूम होता है, तो टोटल जो पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है उसका जो गैसियस वॉल्यूम होगा वो भी इतना ही होगा जो आपने निकाला है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, जहां पर वेपर प्रेशर का इस्तेमाल करना था, इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करना था, आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत ही बेहतरीन सवाल, जैसा कि हमेशा एडवांस के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, अभी रीसेंट ईयर में ये पूछा गया था, 2015-16 का सवाल है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, ध्यान से देखें, इसमें आजकल का ट्रेंड क्या बच्चों आपको बता दें, आजकल आईटीजेई एडवांस का ट्रेंड है वो रियल गैसेस से ही सवाल पूछ रहे हैं, और रियल गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो, और खासकर आजकल मीन फ्री पाथ, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ये सब जो रीसेंट चीजें हैं इनको पूछने का चलन है, तो उसी पर आधारित ये सवाल है। यहां पर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नाम की एक चीज इन्होंने डिफाइन की है आइडियल गैस के लिए, जो कि प्रोपोर्शनल होती है मीन फ्री पाथ के और मीन स्पीड के। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नाम की एक प्रॉपर्टी है आइडियल गैस की, जो दो चीजों पर निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, दो कोलिजन, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो एक एवरेज डिस्टेंस पार्टिकल चलता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है।
तो मीन फ्री पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मीन स्पीड के, एवरेज स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इन्होंने कहा कि हमने टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दिया और प्रेशर को 2 गुना बढ़ा दिया, तो बताइए डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कितने गुना चेंज हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, सोचने वाला था, जिस साल आया था बहुत से लोग चक्कर में फंसे थे। तो देखिए सवाल को जैसा जैसा कह रहा हम वैसे वैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहली बात बोली कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट मीन फ्री पाथ के प्रोपोर्शनल है और एवरेज स्पीड के, तो भैया हमने लिख लिया। अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट लगा दिए, लिख दिया। फिर हमको मीन फ्री पाथ, देखिए मीन फ्री पाथ सभी लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है मीन फ्री पाथ, ये हो गया आपका आरटी अपॉन रूट टू पाई डी स्क्वायर एवोगैड्रो नंबर इनटू पी। तो ये बच्चों होता है रूट मीन, मीन फ्री पाथ। ये देखिए ये किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के। तो यही हमने यहां पर बस इतना भी ध्यान होगा कि लेमडा जो है टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के इनवर्सली, तो भी काम हो जाएगा। और एवरेज स्पीड का भी सभी को फॉर्मूला पता, अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। तो इसका मतलब ये किस वेरिएबल पर निर्भर कर रहा है, अंडर रूट टी पर। अब यहां पर लेमडा के स्थान पर टी बाई पी और एवरेज के स्थान पर रूट टी और बाकी तो कांस्टेंट में आ जाएगा। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का बच्चों फॉर्मूला क्या बन गया, सम कांस्टेंट के इंटू टी बाई पी इंटू रूट टी। तो ये हो गया टी पे पावर 3/2 क्योंकि पावर 1 यहां से आया, हाफ यहां से आया और अपॉन प्रेशर। अब बच्चों आपको यहां रेशियो लेना है, तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट फाइनली अपॉन इनिशियली। तो आप क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कैसा, के डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल 3/2 और डिनोमिनेटर में प्रेशर है तो ऊपर इनिशियल आ जाएगा नीचे फाइनल। अब क्वेश्चन ने कहा है कि फाइनल टेम्परेचर इज 4 टाइम इनिशियल, तो यहां टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल के स्थान पर हमने 4 लग दिया और जो फाइनल प्रेशर है वो 2 गुना है इनिशियल के, तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल है। तो बच्चों इसको बहुत सरलता से आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 को आप 2 पे पावर 2 लिख दें, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2³/2, यानी आंसर बहुत ही सरलता से आ गया 4। तो हालांकि यहां पर एक अनसुना सा चीज आईटीजे एडवांस ने दे दिया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, लेकिन ये अनसुनी चीज को भी डिसाइफर करने के लिए, उसको समझने के लिए इसने क्लू दिया। क्लू किसके रूप में दिया, मीन फ्री पाथ और एवरेज, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो आईटीजे के कोर्स में है। तो कभी कभी एक ऐसी चीज भी पूछ देता है जो आप जो कोर्स में है उसके आधार पर बता सकते, तो आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा, 360 डिग्री सोचना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आया था ये। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि बच्चों आपके पास एक मिश्रण है, मिक्सचर है हीलियम का और मीथेन का, और उस मिश्रण में जो मोल का रेशियो है वो 4:1 है, हीलियम का 4:2 मीथेन का 1, और ये एक बर्तन में है और टोटल प्रेशर 20 बार है। इस टोटल प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं इस सवाल में। ड्यू टू अ होल इन द वेसल, वेसल में होल था तो गैस मिक्सचर क्या की लीक की, तो मिक्सचर भी लीक कर रही होगी, उसमें हीलियम भी होगा मीथेन भी होगा, तो व्हाट इज द कंपोजिशन रेशियो ऑफ द मिक्सचर एफ्यूजिंग आउट इनिशियली। तो जो वहां पे से लीक करके गैस निकल रहा है तो उसमें मोल का रेशियो पूछा है, किसका, हीलियम का और मीथेन का। बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्राहम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है हम उस फॉर्मूले से इसको बना लेंगे। देखिए तो आपको दिया गया है कि बर्तन में जो हीलियम और मीथेन के मोल का रेशियो है 4:1 है। बच्चों सेम बर्तन है तो वॉल्यूम टेम्परेचर तो सेम होगा, तो मोल का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, उनके पार्शियल प्रेशर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही बर्तन है तो टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, तो मोल का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके पार्शियल प्रेशर के रेशियो का। ठीक, उसके बाद हमने रेट ऑफ इफ्यूजन का फॉर्मूला लगाया, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन मीथेन इज इक्वल टू, अब देखिए रेट ऑफ हीलियम को आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीलियम को लिख सकते हैं कि डेल्टा एन मोल हीलियम का डेल्टा टी टाइम में एफ्यूज हुआ, और रेट ऑफ मीथेन को लिख सकते हैं डेल्टा एन मोल मीथेन का एफ्यूज हुआ डेल्टा टी में। तो आप डिवाइड करेंगे बच्चों, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, और ये फॉर्मूला होता है प्रेशर ऑफ हीलियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन प्रेशर ऑफ मीथेन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट मोलर मास ऑफ मीथेन अपॉन हीलियम, ये हमने आपको बताया था फॉर्मूला। अब देखिए ये चीज, प्रेशर का रेशियो आपने पहले ही यहां फाइंड कर लिया 4:1,
मोलर मास ऑफ मीथेन 16, हीलियम 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ गया 8। अब तो ये क्या आया, ये आया है मोल्स ऑफ हीलियम जो बाहर निकल रहा है और जो मोल्स ऑफ मीथेन बाहर निकल रहा है उसका रेशियो कितना आ गया, 8 आ गया। यानी मीथेन का 8 गुना मोल निकलेगा हीलियम का जो एफ्यूज आउट मिक्सचर। बहुत ही अच्छा सवाल था जहां पर काइनेटिक फिनोमेना पर ये आधारित था। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको किस प्रकार से इक्विलिब्रियम और काइनेटिक फिनोमेना से शानदार तरीके से जोड़ा है आईटीजेई एडवांस ने, और यही इसकी खासियत होती है, ऐसे ऐसे सवाल नए तरीके से निकालता है। ये जो मेथड होता है फ्यूजन का, आपको बता दें ये केमिकल इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहां पर हम आपको सवाल समझा रहे हैं, एक बर्तन था, बर्तन में क्लोरीन गैस को लिया गया और 1200 डिग्री सेल्सियस से, बच्चों इतना हाई टेम्परेचर होता है, क्लोरीन का आंशिक ब्रेकडाउन हो गया, पार्शियली वो डिकम्पोज हुआ, टूट गया और सीएल एटम्स में ब्रेक हो गया पार्शियली, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया जैसा कि क्वेश्चन ने दिया, Cl2 इन इक्विलिब्रियम विद 2Cl। अब इसके कंपोजिशन को जानने के लिए कितना टूटा जिससे कि आपके इक्विलिब्रियम निकाल लें, इसमें एक पिन होल किया गया और एफ्यूज हुआ मिक्सचर, जो एफ्यूज हो रहा था मिक्सचर उसकी रेट को क्रिप्टन से कंपेयर किया गया। तो यहां पर दिया गया है कि ये जो एक पिन होल था, इट इज ऑब्जर्व दैट एट 1.8 मिलीमीटर mmHg, मतलब जो अंदर इक्विलिब्रियम मिक्सचर था उसका प्रेशर कितना था, 1.8, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है वैसे, द मिक्सचर एफ्यूजेस 1.16 टाइम्स एज फास्ट एज क्रिप्टन, मतलब ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर एफ्यूज कर रहा था ये क्रिप्टन का 1.16 तेजी से एफ्यूज कर रहा था अंडर द सेम कंडीशन। तो कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन दैट हैज डिसोसिएटेड, तो कितना भाग क्लोरीन का टूट रहा है इसको निकालना, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इसे सोल्यूशन पर गौर करते, ये देखिए सबसे पहला काम, इस इक्विलिब्रियम को लिख लीजिए, मान लीजिए कि एक मोल था, एक में से F फ्रैक्शन चला गया तो इसका एक जाता है तो इसका दो, तो इसका कितना बनेगा 2F, पहला काम। फॉर्मूला लगा दीजिए फ्यूजन का, रेट ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ क्रिप्टन, देखिए प्रेशर यहां क्यों नहीं रखे, क्योंकि सिमिलर कंडीशन है तो प्रेशर दोनों का सेम होगा, कैंसिल आउट, अंडर रूट मोलर मास ऑफ क्रिप्टन अपॉन मिक्सचर, यह दिया है 1.16, मोलर मास ऑफ क्रिप्टन 84 दिया है, सॉल्व करके मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 62.4। मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला देखिए, ये मिक्सचर है ना Cl2 और Cl का, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला देखिए, जो भी Cl2 का मोल है 1 - F इंटू मोलर मास ऑफ Cl2 प्लस जो भी Cl का मोल है 2F इंटू मोलर मास ऑफ Cl, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर। यहां से F आप बहुत ही सरलता से निकाल लेंगे, और F क्या है, वो भाग, एक में से जो भी डेटा होता है उसको भाग बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, वो भाग, वो फ्रैक्शन Cl2 का जो कि 1200 डिग्री पर डिसोसिएट होगा, आपने इसको निकाल लिया। तो बहुत ही सरलता से सबसे पहले इक्वेशन लिखना है, फिर रेट ऑफ इफ्यूजन के फॉर्मूले से आपको मोलर मास मिक्सचर निकालना है, और ये जो लास्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्रैक्शन में आप लिखते हैं, जब वन मान के इस प्रकार से करते हैं तो कैसे हमने किया, ध्यान दें, 1 - F है Cl2 का, 1 - F इंटू मोलर मास ऑफ Cl2 प्लस 2F, ये देखिए 2F इंटू मोलर मास ऑफ Cl, Cl का 35.5, Cl2 का 71, F निकाल लीजिए, आंसर आ गया। तो जब F आ जाएगा तो कंपोजिशन आ जाएगा, और इस प्रकार से आप चीजों को कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार सवाल था ये। अब चलिए अपन लोग, दिस वॉज ऑल फॉर द पार्ट टू में ये सारे सवाल हमने किए, और अब बहुत ही जल्दी हम पार्ट 3 को अपलोड करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं गैसियस स्टेट पे, इसको 3 पार्ट में हम दे रहे हैं, एक पार्ट पहले ही जा चुका है, एक ये आ रहा है और अगला बहुत ही जल्दी अपलोड होगा। तो आप सभी लोग इसको देखते रहिए, समझते रहिए और लगे रहिए, हम भी लगे हैं, जल्दी जल्दी और भी टॉपिक्स को लाने वाले हैं। और इसी प्रकार से आप लोग अगर कोई डाउट आता है, ये हम आपको बताना चाहते हैं, आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और जितना हो सकेगा हम इतने सिंपलिसिटी के साथ आपके सवालों का जवाब भी देंगे। और बहुत ही जल्दी हम आपको एक टेलीग्राम का चैनल भी देंगे, एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहां पर आप सभी लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब देंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट 3 के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।